अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं एमएलटी हब विद कामरान। कैसे हैं डियर व्यूवर्स, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है एनटीसीसीपी टेस्ट। एनटीसीसीपी टेस्ट को साइक्लिक साइट्रुलिनेटेड पेप्टाइड आईजीजी एंटीबॉडी टेस्ट भी कहा जाता है। इस टेस्ट को साइक्लिक साइट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडी टेस्ट भी कहा जाता है। इस टेस्ट को सिट्रुलिन एंटीबॉडी टेस्ट भी कहा जाता है। इस टेस्ट को एनटीसीसीपी एंटीबॉडी टेस्ट भी कहा जाता है और इस टेस्ट को एसीपीए टेस्ट भी कहा जाता है। वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं अपना टॉपिक एनटीसीसीपी टेस्ट। डियर व्यूवर्स, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। बात करते हैं कि एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडी किसे कहा जाता है। साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड बुनियादी तौर पर ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं जो कि हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है। साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड जो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं तो ये गलती से हमारे जिस्म के जो सेहतमंद टिश्यूज़ होते हैं, जो कि खासकर हमारे जोड़ों में होते हैं, जॉइंट्स में होते हैं, तो उसको अटैक करना शुरू कर देते हैं, उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर डैमेज काज करते हैं। एनटीसीसीपी का जो टेस्ट है तो ये रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट है और ये एंटीबॉडी किसी भी सेहतमंद बंदे के खून में कभी भी नहीं पाई जाती। अभी बात करते हैं कि एनटीसीसीपी टेस्ट की तशखीसी अहमियत क्या है। तो ये टेस्ट किया जाता है कन्फर्मेशन के लिए रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए, और ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए जब एक मरीज़ का आरएफ टेस्ट मुस्बत आ जाता है, जिसे रूमेटाइड फैक्टर कहा जाता है, तो उसके बाद एनटीसीसीपी का टेस्ट किया जाता है कि ये कम्प्लीटली कन्फर्म कर दिया जाए कि ये वाकई में रूमेटाइड अर्थराइटिस की वजह से है, क्योंकि एनटीसीसीपी का टेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ रूमेटाइड अर्थराइटिस में पॉजिटिव आता है। बात करते हैं कि एनटीसीसीपी का खून में नॉर्मल लेवल क्या होता है। तो इसका नॉर्मल लेवल खून में होता है लेस देन 20 यूनिट्स पर मिलीलीटर। 20 से अबव होगा तो हम कहेंगे कि एनटीसीसीपी पॉजिटिव है। बात करते हैं खून के नमूने पर कि किस बोतल में लिया जाता है और कितना लिया जाता है। तो 3 से 5 ml खून का नमूना लिया जाता है जेल वाली ट्यूब में या रेड टॉप ट्यूब में। इस खून को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, सीरम को निकाला जाता है और फिर एडवांस मशीनरी पर सीरम की मदद से इस टेस्ट को रन किया जाता है, और ज़्यादातर इसके लिए इलाइजा जो टेक्निक है तो वो की जाती है। अभी बात करते हैं कि एनटीसीसीपी का लेवल कौन सी हालत में बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाता है, हाई हो जाता है। तो ये टेस्ट स्पेसिफिक है रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए, और रूमेटाइड अर्थराइटिस में एनटीसीसीपी का जो लेवल होता है वो खून में बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाता है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया एमएलटी हब विद कामरान देखने के लिए। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल एमएलटी हब विद कामरान को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।